हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो टेक्निकलताफ और मेरा नाम है अल्ताफ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना प्राइवेट यानी स्नैपचैट के अंदर आप प्राइवेट स्टोरी कैसे लगाएं, वो भी अलग अलग स्टोरी लगा सकते हैं। यानी आप प्राइवेट स्टोरी कितने भी बना सकते हैं, वो भी अलग अलग बंदों को दिखा सकते हैं। तो चलो जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपको आ जाना है अपने स्नैपचैट के अंदर। स्नैपचैट के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यानी आपको कैमरा रोल ओपन या सॉरी कैमरा ओपन हो जाता है। तो आपको अपना जो है प्रोफाइल पर, प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आपको कुछ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू प्राइवेट स्टोरी। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने बंदे को यानी प्राइवेट में स्टोरी दिखाना है उस बंदे को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं भी एक बंदे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अकरम भाटी को, और यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यानी जितने भी बंदे सेलेक्ट कर सकते हो यानी जितने बंदे चॉइस करके आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ जिगरी यार। तो जिगरी यार नाम लिख लिया है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर लगाना है स्टोरी। तो स्टोरी आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड टू जिगरी यार, मैंने यहाँ पे नाम रखा था जिगरी यार, तो जिगरी यार नाम आ रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और कैमरा रोल के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको कोई भी स्टोरी उठा लेना है। तो मैं एक बार कोई भी स्टोरी उठा लेता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो स्टोरी उठा लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने अपनी फ़ोटो उठाई है, वो भी स्टोरी के लिए, और इसको उठा लिया है। तो आपको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा स्टोरी लग चुका है कुछ इस तरह से। तो ये यानी स्टोरी एक बंदा ही देखेगा जो मैंने अभी सेट किया था जिगरी यार यानी उस बंदे को। तो आप फिर से अपना यानी एक और बना सकते हो कुछ इस तरह से। यानी मैंने एक बना लिया है जिगरी यार, यानी वो एक ही बंदा देखेगा कि ये मेरा स्टोरी। और आप इस बंदे यानी इस बंदे को दिखा सकते हो। तो आपको तरी लाइन पे यहाँ पे तरी डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव स्टोरी यानी आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। तो भी मुझे नहीं करना है। और एडिट व्यूज, तो आपको आप देख सकते हो यहाँ से आप और भी बंदे चॉइस कर सकते हैं और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो भी मेरे दो बंदे हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो आपको और भी बनाना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है न्यू स्टोरी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिया है ऊपर देख सकते हो न्यू प्राइवेट स्टोरी, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको फिर से यहाँ पे कोई भी बंदा सेट कर लेना है। तो मैं इसी बंदे को यानी चॉइस कर लेता हूँ अकरम भाटी को और स्टोरी पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर से अलग नाम रख लेता हूँ, यानी कोई भी नाम इस पे नाम रख लेता हूँ, मैं अपना ही रख लेता हूँ अल्ताफ। तो मैंने अपना नाम रख लिया और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करनी है, कर दिया है। तो मैं यहाँ पे भी स्टोरी लगाऊंगा। आप देख सकते हो मैं स्टोरी लगाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ताफ, तो यहाँ पे नाम आ चुका है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ एक पर फ़ोटो क्लिक करके सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अभी मेरा दूसरा बंदा देख सकता है स्टोरी। यानी मैंने तीन स्टोरी लगाया, देख सकते हो। ये एक है जो कि प्राइवेट नहीं है और दो है कि प्राइवेट है, तो अलग अलग बंदे आप दिखा सकते हैं। तो इसको डिलीट कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट कर सकते हैं। और दूसरी स्टोरी को डिलीट करने के लिए आपको फिर से स्टोरी में जाना है और इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको फिर से डिलीट पर क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक करके इस तरह से आप अपना स्नैपचैट के अंदर प्राइवेट स्टोरी लगा सकते हैं। तो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। आया है तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।